गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का वेटिकन यूट्यूब चैनल पे। मैं अनिल पुनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से एक बार जुड़े और बताएं कि आप सभी को आवाज आ रही है। वेरी गुड इवनिंग बच्चों को, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। संदीप, दीपिका, सलीम, कक्षाधारी बालक, धर्मवीर, यूपीएससी एस्पिरेंट रश्मि, धर्मवीर सिंह, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से एक बार जुड़े और बताएं कि आप सभी को आवाज आ रही है। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जो भी बच्चे चैनल पे देख पा रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि आप सभी को आवाज आ रही है। गुड इवनिंग अंजू, बुलबुल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है भाई, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से एक बार जुड़ेंगे आप, जल्दी से एक बार जुड़ेंगे और बताएंगे क्या आप सभी को आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, वेरी गुड इवनिंग। फोन में चला के देखना। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, नमस्कार जी। दो मिनट रोकना सर जी, रोके हुए हैं भाई अभी तो। नमस्कार, क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है सब, सब अच्छे से समझ पा रहे हो। पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया है और पाइप एंड सिस्टम की आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर चुके होंगे, मतलब आज इस टॉपिक को निपटा देंगे हम। और देखिए, आप सभी के लिए शानदार टॉपिक लेके आ रहा हूं। इस बार संडे को, संडे को दोपहर 1 बजे मैराथन का क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास, जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक आपका लग चुका है। अभी से जाके क्लास जैसे ही खत्म हो, जाके नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना, ओके कर देना, आपको ये क्लास शानदार मिलने वाली है, संडे स्पेशल। पिछले संडे हमने प्रॉफिट लॉस को निपटाया था, इस बार टाइम स्पीड डिस्टेंस को निपटाएंगे। क्या भाई? टाइम स्पीड डिस्टेंस को निपटाएंगे। और ये वो विश्वास बैच जहां से आप सी और डी एचएसएससी, वैसे तो डी ग्रुप का भी एग्जाम आने वाला है, डी ग्रुप का एग्जाम आएगा तो डी ग्रुप की शानदार तैयारी आप यहां से कर पाएंगे। किस बैच से? विश्वास बैच से। मिलेगा वेटिकन ऐप पे। कहां पे भाई? वेटिकन ऐप पे ये बैच आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। और देखिए, इस बार संडे को होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का के टॉपिक का खात्मा भाई। टाइम स्पीड डिस्टेंस के जितने भी बेहतरीन कंसेप्ट हैं वो सारे आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे, सारे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेके आता हूं पहला सवाल आज का। ये सवाल वैसे तो हमने कल कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट रह गया था भाई। टाइम हो गया था, इसलिए बीच में इस सवाल को छोड़ के हम चले गए थे। चले तो नहीं गए थे, हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ बच्चे डाउट बोलते रह गए थे, तो मैंने बोला था कल से यहीं से शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत हो चुकी है। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी आप पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा इसका। वेरी गुड इवनिंग प्रियांशी, अंजू, निधि, सभी को गुड इवनिंग। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा भाई। और आंसर आने लग गए। कक्षाधारी बालक सबसे पहले आंसर लेके आया है भाई, सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। पीके शर्मा, धर्मवीर, प्रवीण, साहिल, सभी बच्चों का आंसर सी आ रहा है। चलो चेक करते हैं क्या दे रखा है भाई। हमें दे रखा है ए और बी, एक खाली टंकी को 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है 10 घंटे में और प्यारे बच्चों बी भर सकता है 16 घंटे में। उन्हें एक घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब पहले घंटे ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे बारी बारी से चले, है ना? तो क्या करो भाई, एलसीएम ले लो। पहला काम एलसीएम है, एलसीएम आएगा कितना भाई? एलसीएम तो यहां पे 80 आएगा। कितना आएगा? 80। 10 से भाग करोगे 8, 16 से भाग करोगे 5। अब बारी बारी से चलेंगे, पहले ए भरेगा, फिर बी भरेगा, 5 भरा जाएगा, पहले घंटे 8, दूसरे घंटे 5, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 घंटे में आप देखोगे 13 यूनिट हो जाएगा। कितना भाई? 2 घंटे में हो जाएगा 13 यूनिट। 13 का कितने गुना इससे कम है? अरे 13 का 6 गुना कम है ना, तो 6 से गुणा कर दो, दोनों साइड गुणा करो 6 से, ये हो जाएगा 12 घंटे
और 12 घंटे में आप देखोगे कितना भरेगा, 78। कितना रहता है भाई, अरे 2 रहता है, नंबर आएगा 8 वाले का, 8 से भाग कर दो, कितना समय और है, 1/4, 12 घंटे ये, 1/4 ये, तो आंसर आ जाएगा 12 सही 1/4। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन वाले सारे बच्चे सही है, ठीक है, सी ऑप्शन वाले सारे के सारे बच्चे एकदम सही सही पकड़े हैं ऑप्शन को, एकदम सही ऑप्शन पे टिक किया आप लोगों ने, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट ही किया भाई, कल वाला ये वो क्वेश्चन है जो आपने रिपीट करने को मुझे बोला था, ठीक है, तो रिपीट कर दिया गया, नए विद्यार्थी हैं, अरे नोटिफिकेशन का वेट ना किया करो, कई बार यूट्यूब में भी प्रॉब्लम हो जाती है, नोटिफिकेशन का वेट ना किया करो, 7 बजे पहुंच जाया करो वेटिकन यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, 7 बजे पहुंच जाया करो वेटिकन यूट्यूब चैनल पे। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं उस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 16 में, एलसीएम लेंगे 80 आएगा, 80 को 10 से भाग किया, 80 को 16 से भाग किया, पहले घंटे 8, अगले घंटे 5, फिर अगले घंटे 8, फिर से 5, फिर 8, फिर 5, फिर 8, फिर 5, ऐसे भरते जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, पहले घंटे, दूसरे घंटे, 2 घंटे में कितना हो गया, 2 घंटे में 13 यूनिट, अगले 2 घंटे में 13, अगले 2 घंटे में, ऐसे करते जाएंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्या करो, इसका मल्टीपल ढूंढ लो, इसके छोटा, इससे छोटा, 13 का मल्टीपल 6 गुना है 78, इधर भी 6 से उधर भी 6 से, दोनों तरफ 6 से गुणा करो, 12 घंटे में 78 कितना रहता है, 2 रहता है, नंबर किसका है, ए का, 8 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 1/4, 12 घंटे ये, 1/4 ये, तो आंसर रहेगा 12 सही 1/4, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ये हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए लेके आ रहा हूं, अभी देखना अभी आएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया भाई, देखो अभी आपको ये समझाएंगे टंकी में पानी कितना आता है, अभी आपको ये बतलाएंगे टंकी में पानी कितना आता है। नमस्कार भाई, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और भाई अच्छी क्लास है तो शेयर कर दो सारे एक बार, अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो। नमस्कार भाई विश्वजीत जी, नमस्कार रेनू लक्ष्मी, अमन शर्मा नमस्कार, जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी पढ़ो, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, जल्दी पढ़ो, वेरी गुड, सी ऑप्शन आएगा इसका, विक्की खरब जी ने आंसर किया सी ऑप्शन, विक्की खरब जी ने आंसर किया सी ऑप्शन, चलिए देखेंगे अभी पता चल जाएगा, सी आएगा, डी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। गुड इवनिंग मनीष नांदल जी, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीति राज नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, प्रीति मेहरा जी गुड इवनिंग, 8640 सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, 8640, सुधीर सुहाग सी ऑप्शन, अमन शर्मा भी सी ऑप्शन के साथ, चलिए चेक कर लेते हैं क्या आएगा। एक टैंक के तल में एक रिसाव है जो कि 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, एक पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, टैंक भर जाता है तो पाइप खोल दिया जाता है, लेकिन रिसाव के कारण 12 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, कितने भाई 12 घंटे लग जाते हैं खाली होने में, टैंक की क्षमता क्या है, यह हमें निकालना है। ए भरता है, ए खाली करता है 8 घंटे में, और ए और बी दोनों खाली करते हैं 12 घंटे में, खाली कर रहे हैं ध्यान से समझ लेना, और बी क्या कर रहा है, बी अकेला जब काम करता है भरता है वो भरता है 6 लीटर प्रति मिनट, कितना भर रहा है भाई 6 लीटर प्रति मिनट, ये है बी की एफिशिएंसी, हर मिनट 6 लीटर भर देता है। अब ध्यान से सुन लो, कैसे करोगे इस सवाल को, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आएगा 24, 8 से भाग करो -3, 12 से भाग कर दो -2, क्या भाई 12 से भाग करोगे तो क्या आएगा -2 आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे आप देख पा रहे हो दोनों की एफिशिएंसी -2 है,
ए की माइनस तीन है, इसमें से इसको घटाओ, बी की एफिशिएंसी आएगी एक, टोटल कितने हैं 24 है, और बी अकेला भरेगा एक के हिसाब से कितने घंटे में, 24 घंटे में भरेगा। अरे एक मिनट में कितना लीटर है, 6 लीटर, एक मिनट में 6 लीटर तो एक घंटे में गुणा 60, और टोटल के लिए गुणा किससे कर देंगे, 40 से, गुणा किससे करेंगे भाई 40 से, इनकी अगर आप गुणा करते हो तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 360 गुणा 24, क्या भाई 360 गुणा 24 करोगे तो ये आ जाएगा 8640। आंसर आपका किस ऑप्शन में है, आंसर है आपका सी ऑप्शन में, किसमें है भाई, आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन में, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर, 8640 एकदम सही आंसर, 8640 बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है। नमस्कार भाई रूही, नमस्कार रोहित, नीतू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, मंजू सांगवान जी नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए बढ़िया सवालों के साथ शुरुआत की है, पाइपन सिस्टम का नंबर नहीं कटेगा, इससे पहले टाइम एंड वर्क को अच्छे से कर चुके हैं, दोनों ही टॉपिक बड़े शानदार होने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही टॉपिक बड़े शानदार होने वाले हैं। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझ लेना, ए अकेला खाली करता है 8 में और दोनों खाली करते हैं 12 में, ध्यान से सुनो, ए अकेला खाली करता है 8 में, दोनों खाली करते हैं 12 में, दोनों खाली करते हैं कितने में भाई 12 में। अब यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे 24, 24 को 8 से भाग किया, 24 को 12 से भाग किया, ए की एफिशिएंसी माइनस 3, बी की एफिशिएंसी माइनस 2, तो या दोनों की एफिशिएंसी माइनस 2, दोनों में से ए को घटाओगे तो बी की एफिशिएंसी 1 आएगी, बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 1 यूनिट, टोटल काम है 24, वो भरता है 1, भाग करोगे आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आ जाएगा 24 घंटे। अब ध्यान से सुनो, ये तो बी का टाइम आया है, बी एक मिनट में 6 भरता है तो एक घंटे में 6 गुणा 60 और 24 घंटे में गुणा कर दोगे 24 से तो आंसर आ जाएगा कितना भाई 8640, ठीक है 8640 आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन लेके आता हूं, ऐसा ही लेके आऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस करो और आप बता पाओ। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया भाई, ऐसा ही सवाल आ गया है आपके सामने, जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी पढ़ो और आंसर बताओ भाई क्या आएगा। शाबाश, वेरी गुड इवनिंग, सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, देखो क्लास को शेयर कर दो, कितनी अच्छी क्लास आपकी जा रही है, लाइक के बटन को दबाओ ताकि पता चले क्लास का माहौल कैसा है। डीएस से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भाई, अमन शर्मा जी कैसे भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा डीएस में, अगर आपका डीएस सेम नहीं आ रहा है, कई बार क्या होता है दो ऑप्शन का डीएस एक जैसा आ जाता है तो उस केस में फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तरीका सीखते नहीं आप। शाबाश, 5760 ये ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, विक्रम सिंह ने आंसर किया है, कच्छाधारी बालक भी आ गया है, सुरभि शर्मा, पीके शर्मा, मनीष नांदल, प्रवीण कौशिक, सुधीर सुहाग, सांगवान, सभी बी के साथ जा रहे हैं भाई, सभी के सभी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सारे बी ऑप्शन आंसर लगा रहे हैं, बी ने ऐसा क्या कर दिया भाई, अरे क्या आंसर ही बी है क्या, बताओ जल्दी से बी ऑप्शन आंसर आएगा क्या पक्का, चलो चेक कर लेते हैं अभी। अभी देखो, एक नल के तल में एक रिसाव 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि एक 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, जब टैंक भर जाता है तो पाइप खोल दिया जाता है, लेकिन रिसाव के कारण 8 घंटे में खाली हो पाता है, कितने घंटे में 8 घंटे में खाली हो पाता है, तो बताओ टंकी की क्षमता क्या है, ए करता है कितने घंटे में खाली 6 घंटे में, और ए और बी, ए तो खाली करने वाला है बी भरने वाला है, ये करते हैं 8 घंटे में खाली, एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 24, 6 से भाग करो 4, 4 कैसा माइनस का 4, 8 से भाग करोगे माइनस का 3, दोनों में से ए को घटाओगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी 1, टोटल काम कितना है, टोटल काम 24 है,
और बी भरता है एक, तो बी का समय कितना है भाई, बी का समय है 24 घंटे, एक मिनट में कितना भर रहा है 4 लीटर, एक घंटे में गुणा 60 और गुणा कर दोगे 24 से, ये हो जाएगा 576 के बाद 0, तो आंसर हमारा क्या आएगा 5760। किस ऑप्शन में है भाई, ये आपका बी ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ए खाली करता है 6 घंटे में, दोनों खाली करते हैं 8 घंटे में, ए अकेला खाली करता है 6 घंटे में, दोनों खाली करते हैं 8 घंटे में, एलसीएम लेंगे 24 आएगा, 24 को 6 से भाग किया, 24 को 8 से भाग किया, ए की एफिशिएंसी 4 है माइनस में, ए और बी की एफिशिएंसी -3 है, दोनों की एफिशिएंसी में से ए को घटाओ, दोनों की एफिशिएंसी में से ए को घटाओ, बी की एफिशिएंसी आएगी, बी 1 यूनिट करता है, टोटल 24 को 1 से भाग करो, कितने घंटे लगाएगा 24 घंटे लगाएगा भरने में, 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 घंटे में 4 गुणा 60 और 24 घंटे के लिए गुणा किससे करोगे 24 से, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन, ठीक है आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो 14th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बड़ा ही अच्छा, और देखिए कितना शानदार ये सवाल है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, अभी अभी सॉल्व करने में उससे भी अच्छा लगेगा। बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। गुड इवनिंग भोलू पंडित जी, वेरी गुड इवनिंग रेणु जी, सर मैंने तो टेढ़ा मेढ़ा किया था फिर भी सही आया, अरे वाह, टेढ़ा मेढ़ा किया फिर भी सही आया, सही क्लास में बैठे हो, सही आएंगे आंसर आपके, सही आंसर आएंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को भाई देखो, क्लास को लाइक शेयर तो कर ही दो भाई, लाइक एंड शेयर तो कर ही दो, सारे बच्चे मिलके एक बार शेयर कर दो, शाबाश। गुड इवनिंग, धरती से कनेक्टेड भी आए हैं बच्चे, वेरी गुड, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, समस्या क्या है, रुकने नहीं देंगे। वर्षा जी नमस्कार, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर भी, बी ऑप्शन आएगा पक्का, अभी चेक कर देंगे भाई, अभी चेक कर देंगे बी ऑप्शन आएगा कि क्या आएगा। देखो क्या दे रखा है, एक साथ काम करने वाले दो नल ए और बी को जितने समय में भर सकते हैं, ए उससे 3 मिनट अधिक समय तथा बी उससे 21 सही 1/3 समय अधिक मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो कितने समय में भरेंगे। बड़ा ही आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क में भी करवाया है। अरे ए ने जितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है वो, बी ने जितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है वो, दोनों की गुणा करके और उसका कर दो रूट, ये आ जाएगा ए और बी का इकट्ठा समय, कर दो ये कैंसिल किया तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा 8 मिनट। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप इस सवाल को, एकदम सही जवाब दिया है, एकदम सही जवाब दिया जिस बच्चे ने भी, बी ऑप्शन के साथ जो भी गया ना एकदम सही गया भाई, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है, ए और बी जितने टाइम में करते हैं, देखो ए और बी टी टाइम में अगर करते हैं तो ए करता है टी प्लस 3 में और बी करता है टी प्लस 21 सही 1/3 में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो ये एक्स्ट्रा टाइम है ना, ये एक्स्ट्रा टाइम है, इन दोनों की गुणा करके रूट कर दो, ये टी की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी भाई, टी की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर आपका क्या रहेगा, आंसर यहां पे हो जाएगा 8 मिनट। किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपका आंसर है, ठीक है बी ऑप्शन में आपका आंसर है। देखो रिपीट कर दिया मैंने भाई, ध्यान से सुनो समझो इस कंसेप्ट को समझो, जब भी ऐसा केस आ जाए ना, क्या दे रखा है, ए और बी फॉर एग्जाम्पल मिलकर करते हैं टी टाइम में, ए अकेला करता है टी प्लस 3 में और बी अकेला करता है टी प्लस 21 सही 1/3 में, ठीक है। अगर आपको इस टी की वैल्यू चाहिए तो ये वाला 3 उठा लाओ और ये 21 सही 1/3 मतलब 64/3, इन दोनों की गुणा करके रूट कर दो, रूट करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बड़े आसानी से, ठीक है।
टाइम एंड वर्क में भी हमने ऐसे कंसेप्ट किए हैं, ऐसा क्वेश्चन किया है। 15 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये बड़े ध्यान से करना भाई, ये सवाल बड़े ध्यान से करना, ये सवाल बड़े ध्यान से करना। पढ़ो जल्दी से। नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार सभी बच्चों को, पढ़ो जल्दी से, शाबाश। वेरी गुड, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का आंसर 8 बिल्कुल सही था, इसका भी आंसर 8 ही बता रहे हो, इसमें भी 8 तो ऑप्शन है भाई, 8 ऑप्शन में तो है, बाकी इसका आंसर 8 तो नहीं लग रहा है मुझे, हो भी सकता है। करो सोल, शाबाश शाबाश, जल्दी करो सोल, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये लो। पढ़ो पढ़ो, वेरी गुड, साथ आएगा पीके शर्मा, साथ। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर है, मनीष नांदल जी कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन का आंसर है, चलो कोई बात नहीं, अब सोल्व करो। वेरी गुड, 7 या डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 7 है। हेलो भाई सीमू कुमारी जी, नमस्कार। प्रभात मेहरा 6 कह रहे हैं भाई पिछले का था, चलो वेरी गुड। बताओ जल्दी से, शाबाश, एडवांस बैच से हैं सीमू कुमारी जी, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। सारे पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्या दे रखा है, दो पाइप हैं, 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खुलते हैं, लेकिन एक मिनट के बाद टैंक में एक रिसाव विकसित हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों द्वारा 1/6 भी पानी की आपूर्ति लीक हो जाती है, तो टंकी को भरने में कुल लिया गया समय क्या है। एक पाइप ए है जो 10 मिनट में भरता है, एक पाइप बी है जो 15 मिनट में भरता है। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम वैसे तो 60 आएगा, लेकिन मैं एलसीएम थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 360, बड़ा एलसीएम लेंगे भाई। इससे भाग करो कितना आएगा, 36। 15 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 15 से भाग करोगे 24 आएगा, ठीक है। बड़ा एलसीएम निपटा दिया हमने, बड़ा नंबर ले लिया, बड़ा नंबर, खतरनाक वाला नंबर, ठीक है। अब देखो दोनों कितना भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं 60 भर रहे हैं ना, 60 भर रहे हैं, एक मिनट चले हैं तो 60 ही तो भरा है इन्होंने। अब कितना रहता है, अब रहता है 300, और दोनों जो भरते थे उसका 1/6 क्या हो जाता है, वेस्ट, 1/6 हो जाता है वेस्ट, खराब हो जाता है, खराब 1/6 क्या हो जाता है भाई, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तो टोटल कितना भर रहा है, 60 भर रहा है, 1/6 अगर वेस्ट होगा तो 10 वेस्ट चला जाता है, 60 में से 10 वेस्ट चला गया तो कितना बचा, 50 भरेंगे कितने मिनट में, 6 मिनट ये और 1 मिनट ये, पूरा टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम आपका कितना आएगा, टोटल टाइम आपका आ जाएगा 7 मिनट, ठीक है। टोटल टाइम कितना आएगा बच्चे, टोटल टाइम आपका आ जाएगा 7 मिनट्स आपका आंसर आएगा जी, 7 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा, 7 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा भाई। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ लो सारे, ऐसे फालतू की बातें करने में कुछ नहीं रखा है कमेंट्स में, फालतू की बातें ना करो, देखो एक दूसरे को, किसी को हर्ट ना हो ऐसी बातें ना करो, किसी को हर्ट ना हो ऐसी बातें ना करो, ठीक है। हाँ ऐसे कर सकते हो, बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा सा एलसीएम ले लो ना, अरे 6 गुना ले लो, हमने एलसीएम 6 गुना ले लिया, ठीक है 6 गुना लिया, ए भरेगा 36, बी भरेगा 24 भरेगा, दोनों मिलकर 60 भरेंगे, 1 मिनट चलाए, 60 गुना 1 कितना भरा, 60 ही तो भरा, टोटल 360 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 300 आएगा। अब क्या हुआ, अब रिसाव होने लग गया, उसमें से लीकेज होने लगी, टोटल कितना है, टोटल 60 है,
एक बटे छह लीक हो गया मतलब दस, साठ में से दस तो लीक हो गया, कितना बच गया पचास, बचा हुआ है 300, भरना 300 है, 50 भरते हैं, कितने मिनट लगेंगे, 6 मिनट ये, 1 मिनट ये, टोटल कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 7 मिनट, डी ऑप्शन आपका आंसर, टोटल हो जाएंगे 7 मिनट, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लोगे, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी पढ़ो, एक दिन का गैप दो बीच में ताकि रिवीजन कर सकें। अच्छा एक दिन का गैप दें बीच में, भाई क्लास तो रेगुलर चलती है, देखो गुड इवनिंग जो बच्चे अभी आए हैं, छह गुणा क्यों लिया भाई, 1/6 भी तो करना था ताकि छह से भाग हो जाए, इसलिए छह गुणा ले लिया, 1/3 करते तो 3 गुणा ले लेते, 1/5 करना होता तो 5 गुणा ले लेते, कितने भी गुणा ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपको, और नहीं भी लोगे तो भी सही आएगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। गुड इवनिंग मीना जी, वेरी गुड इवनिंग, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, देखो सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो, शाबाश बहुत अच्छे, रिपीट कर दिया भाई, रिपीट कर दिया है जितेंद्र सिंह जी, रिपीट कर दिया था क्वेश्चन हमने, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, बताओ क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ऐसा लेना है, जब 1/4, 1/3, 1/5, 1 ऐसे ऐसे दे रखा हो ना तो उतने ही गुणा ले लो जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है। हाँ रेनू का सही था, बहुत बढ़िया भाई, सुरभि कह रहे रिपीट कर दें, कर देता हूं, देखो एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या है, ए भरता है 10 में, बी भरता है 15 में, एलसीएम 360 ले लिया हमने, वैसे तो 60 भी ले सकते थे, लेकिन 60 लेते ना तो आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ती, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती, इसलिए हमने क्या किया 60 का 60 गुना ले लिया, 60 का 60 गुना क्या है 360, 10 से भाग करो 36, 15 से भाग करो 24, ए भरता है 36 तो बी भरता है 24, दोनों मिलकर 60 भरते हैं, एक मिनट चलाए तो कितना हो गया, एक मिनट चलाएंगे तो 60 ही तो आएगा, एक मिनट चलाएंगे 60 आएगा, और टोटल है 360, उसमें से 60 तो भर चुके हैं, कितना रहता है 300 रहता है, 300 को भरने के लिए क्या होगा, अब 1/6 वेस्ट हो जाता है, टोटल का 1/6, 60 का 1/6 कितना 10 वेस्ट हो गया, 60 में से 10 वेस्ट हो गया तो कितना है 50 ही भर रहे हैं, 300 को 50 से भाग करो 6 मिनट ये, 1 मिनट ये, तो आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया 7 मिनट, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 मिनट। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी पढ़ो। हेलो नमस्कार भाई, हां जी नमस्कार, मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बच्चों का स्वागत है, शाबाश, पढ़ो जल्दी से, पिछली बार मैथ में मजा आ रहा है, अच्छा पहली बार मैथ में मजा आ रहा है, धन्यवाद भाई, पढ़ते जाओ ऐसे मजे आते जाएंगे, नंबर भी आएंगे, मजे मजे नहीं आएंगे नंबर भी आएंगे, गारंटी है नंबर भी आएंगे मजे मजे नहीं। देखो क्या दे रखा है, किस समय में एक एक टैंक तीन पाइपों से भरा जाएगा जिनका व्यास 1, 3 और 4 सेंटीमीटर है, 1, 3 और 4 सेंटीमीटर है। देखो तीन पाइप है ए बी और सी, इसका व्यास 1, 3 और 4 सेंटीमीटर है, वे व्यास डायमीटर है, ठीक है, सबसे बड़ा पाइप 26 मिनट में भर सकता है, तो पानी के प्रवाह की मात्रा सीधे इसके व्यास के वर्ग में है, व्यास के वर्ग में है, व्यास के वर्ग में है, तो क्या करें भाई, ये तो है डायमीटर, एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर क्या है भाई 16। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा पाइप तो सी है, सी कितना भर रहा है, सी भर रहा है 16 यूनिट, कितने मिनट में भरा उसने, 26 मिनट में भरा है। अब सारे मिलकर भरेंगे, सारे मिलकर कितना भर रहे हैं, सारे मिलकर भर रहे हैं कितना भाई 26, 26 से ही भाग कर दो, 26 से भाग करोगे तो कितने मिनट आएंगे भाई, ये मिनट आ जाएंगे 16। कहां पे है, अरे पहले ही ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है बच्चे, पहले ही ऑप्शन में है, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से सुनो क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है ए का व्यास एक है, बी का व्यास तीन है, सी का व्यास चार है, डायमीटर व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो देखो डायमीटर का स्क्वेयर करोगे तो एफिशिएंसी आएगी, इसका स्क्वेयर एक है, इसका स्क्वेयर नौ है, इसका स्क्वेयर सोलह है, ये एक बढ़ता है, ये नौ बढ़ता है, ये सोलह, सारे मिलकर छब्बीस बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पाइप 26 मिनट में 16 लीटर के साथ 26 मिनट में 16 यूनिट के साथ 26 मिनट में इतना भरेगा। अब सारे खोल दिए जाएं तो 26 भरेंगे, 26 से भाग करो, कैंसल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 मिनट्स। आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आ जाएगा 16 मिनट्स, ठीक है। ये आप इस तरीके से कर सकते हो, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका था, अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, और ये आ गया है आपका 18th नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। पढ़ते जाइए जल्दी से, अगला सवाल आ चुका है स्क्रीन पे, आंसर कीजिए, वेरी गुड, और क्लास को शेयर कीजिए भाई। देखो क्लास को शेयर करोगे तभी तो मजा आएगा, कंपटीशन क्लास में, कंपटीशन होगा तभी तो बात बनेगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, पढ़िए जल्दी से, शाबाश। ए और बी एक टैंक को एक घंटे और दो घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप सी एक घंटे पंद्रह मिनट में खाली करता है, एक घंटे पंद्रह मिनट में खाली करता है। ए और सी को नौ बजे खोल दिया जाता है, दो घंटे बाद, कितने, दो घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है, बी को खोल दिया गया है, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा यह हमें निकालना है, ये हमें निकालना है जी, जल्दी से करो, वेरी गुड, जल्दी पढ़ो भाई, शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर करो, ए आएगा, मोनी कह रही है ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा भाई, ए ऑप्शन, पढ़ो जल्दी से, बुक में से है क्या, बुक में से नहीं है भाई, ये बुक में से नहीं है, बुक से नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है, देखो सीजीएल टायर वन में आया था ये क्वेश्चन, सीजीएल टायर वन में आया था ये क्वेश्चन, हमने नहीं बना रखे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना रखे हैं एसएससी ने। पढ़िए जल्दी से, शाबाश। एक पाइप ए भरता है एक घंटे में, ए भरता है एक घंटे मतलब 60 मिनट में, मिनट्स में ले लेते हैं। बी भरता है कितने में भाई, बी भरता है 120 मिनट में, और सी, सी खाली करता है, सी खाली करता है 75 मिनट में, कितने मिनट में, 75 मिनट में। सबसे पहले एलसीएम ले लो भाई, कितना एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इन सब का एलसीएम क्या आएगा भाई, इन सब का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम बड़ा लेना पड़ेगा भाई, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, 15 तो सब में कॉमन आ रहा है, 15 से ये 4 है ये 8 है, मतलब इन दोनों का तो एक साथ में चल जाएगा, 15 × 20 300 ले लेते हैं एलसीएम, 15 × 20 तो नहीं आएगा, 15 × 40 लेना पड़ेगा भाई, 15 × 40 ये एलसीएम आ गया। 60 से भाग करेंगे तो देखो 15 से 4 ये कितना हो गया 10, मतलब 600 ले लिया ना, इससे भाग किया तो 10, इससे भाग करोगे तो कितना आएगा, इससे भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, कितना आएगा भाई, -8, ठीक है, कितना आ जाएगा, -8। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ए और सी को, किसको, ए और सी को 9 बजे खोल दिया गया है, ए और सी को खोल दिया जाएगा तो एक मिनट में दो भरेंगे, एक मिनट में दो भरेंगे, दो घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया है, एक मिनट में दो भर रहे हैं, दो घंटे मतलब
120 मिनट के बाद टोटल कितना भर आ गया, 240 भर आ गया। उसके बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को खोल दिया गया, ए को बंद कर दिया गया और बी को खोल दिया गया। अब यहां से आप देखोगे तो कितना भरा जा रहा है, कितना खाली हो रहा है, तीन खाली हो रहा है, तीन खाली हो रहा है, तो कितनी मिनट लगेंगी, 80 मिनट लगेंगी। कितने बजे के बाद, ध्यान से सुनो, 9 के 2 घंटे बाद, तो क्या 9 के 2 घंटे बाद, 9 के 2 घंटे बाद बंद हुआ था ना, तो 11 बजे बंद हुआ, 11 बजे के 80 मिनट बाद, 11 बजे के 80 मिनट बाद आप देखोगे तो 12:20 हो जाएंगी, 12:20। ये आपका आंसर आ जाएगा किस ऑप्शन में है भाई, ये है आपका डी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है बच्चे, ये आपका डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आप यहां पे आंसर लगा पाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन आप यहां पे आंसर लगा पाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा और ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से सुनो, समझो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है, एक ए भरता है एक घंटे में, बी भरता है दो घंटे में और सी खाली करता है 75 मिनट में। ए भरता है एक घंटे में, बी भरता है दो घंटे में और सी खाली करता है 75 मिनट में, 75 मिनट्स में। अब यहां से क्या हुआ, एलसीएम लिया तो 600 को 60 से भाग किया, 120 से भाग किया और 75 से भाग किया। ए भरता है 10 यूनिट, बी भरता है 5 यूनिट और सी खाली करता है 8 यूनिट, हर इतना खाली हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हुआ, ए और सी को खोल दिया गया, ए और सी को खोल दिया गया तो कितना भर रहे हैं, दो भर रहे हैं एक मिनट में, दो घंटे तक, मतलब 120 मिनट तक कितना भरेंगे, 240 भरेंगे, क्या भाई 240 भरेंगे, 240 भरेंगे। उसके बाद ए को बंद करके बी को खोल दिया, बी भर रहा है 5, सी खाली कर रहा है 8, तो कुल मिलाकर खाली हो रहा है 3, 3 से भाग करोगे कितने मिनट लगेंगे, ये मिनट लगेंगे 80, किसमें भाई, खाली होने में 80 मिनट। किसके बाद देखो, 9 बजे के 2 घंटे तो ये 11 बजेंगे और उसके 80 मिनट बाद आप देखोगे तो उसके 80 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 12:20 किस ऑप्शन में आएगा भाई, ये आ जाएगा डी ऑप्शन में, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन में, ये आपको दे रखा है 12:20, ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा, समझे भाई, कर लोगे ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, 18 क्वेश्चन था, 19 नंबर सवाल लेके आते हैं आपके सामने। तब तक आप क्लास को एक बार शेयर करो सारे, शाबाश, क्लास को शेयर करो सारे, आज कुछ निकम्मे गायब हैं क्लास से, आज कुछ निकम्मे गायब है क्लास से, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे ढंग से आप कर सकते हो इसको, अच्छे ढंग, पढ़िए जल्दी से। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सीपीओ के एग्जाम में आया था, सीपीओ के एग्जाम में आया था 2018 में, पढ़ो जल्दी से, बताओ क्या आएगा आंसर। सवाल नंबर 19 आपके सामने, सवाल नंबर 19 आपके सामने है। गुड इवनिंग सुमित कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्या हो गया, वॉइस को, आवाज को क्या हो गया भाई, आवाज, बैटरी देना सर, देखो अब आवाज सही है, कट रही थी, अब ठीक है सर, मैं भी कुछ टाइम बाद चले जाऊं सर, वहां पे वेटिकन कहां पर है, वेटिकन रोहतक, आप पावर हाउस पे आओगे निकराम कॉलेज के बिल्कुल सामने देखोगे तो वेटिकन की यहां पे लगभग 6 से 7 बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, तो पावर हाउस चौक पे तो आप निकराम कॉलेज के सामने देखोगे ना तो वेटिकन आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा भाई, 8/3 आएगा, ऑफलाइन स्टूडेंट रहोगे, अच्छा वेरी गुड भाई, रेनू जी सही है, चलो पढ़ो, बताओ क्या आएगा आंसर।
एक पाइप एक टैंक को 4 घंटे में भरता है, एक लीक भरे हुए टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। जब टैंक एक तिहाई भर जाता है, कितना भर जाता है, एक तिहाई, तब लीक को बंद कर दिया जाता है। तो शुरुआत से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यह हमें निकालना है। एक टैंक भरता है 4 घंटे में और दूसरा खाली करता है 6 घंटे में। एलसीएम ले लो कितना, एलसीएम तो 12 आएगा, 4 से भाग करोगे 3 और 6 से भाग करोगे -2। दोनों भरेंगे कितना भाई, दोनों भरेंगे केवल एक, दोनों कितना भरेंगे, केवल एक भरेंगे। अब ध्यान से सुनो, अब यहां से अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, जब टैंक एक तिहाई भर जाता है, कितना, एक तिहाई, इसका एक तिहाई कितना है, इसका एक तिहाई करोगे तो 4 यूनिट, एक के हिसाब से 4 यूनिट कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे, तो ये लगेंगे, कितना रह जाएगा, अब रह जाएगा 8। अब क्या रह जाएगा, 8। अब बंद कर दिया जाएगा लीक को, लीक को बंद कर दिया जाएगा तो भरने वाला कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, मतलब 8/3 ये और 4 इधर। अरे इधर 4 तो लिखा ही नहीं हमने, इधर 4 तो लिखा ही नहीं, ये 4 है और ये 8/3, इसमें 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा कितना, 20/3। किस ऑप्शन में है, ये आपका डी ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है बच्चे, ये आपका डी ऑप्शन में। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये रहेगा 20/3 ऑप्शन, 20/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और 19 सवाल हम कर चुके हैं, इसमें 20वें सवाल पे चलते हैं भाई। सवाल नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे क्या आएगा। सवाल नंबर 20 जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। वेरी गुड, जल्दी पढ़िए भाई। 8/3 समझ नहीं आया, 8/3 समझ नहीं आया, देखो कैसे नहीं आया, ध्यान से सुनो, इसमें 4 भर चुका है, इसका 1/3 4 भर चुका है, कितना रह गया, 8 ही तो रह गया, 12 में से 4 घटाओ कितना रहेगा, 8 रहेगा, 8 रहेगा। उसके बाद इसको तो बंद कर दिया गया है, ये भरेगा 3 के हिसाब से, तो 8 भरना है, 3 भर रहा है, 8/3 समय ये और 4 घंटे ये, दोनों को जोड़ दो पूरा समय आ जाएगा 20/3, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी पढ़ो और आंसर बताओ क्या आएगा। और सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करो भाई, देखो सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार और बता दें, एक बार और बता देते हैं भाई, देखो ध्यान से सुनो क्या दे रखा है। एक पाइप 4 घंटे में भरता है, दूसरा 6 घंटे में खाली करता है, एलसीएम 12 आएगा, ए भरेगा 3 तो बी खाली करेगा 2, दोनों एक साथ भरेंगे तो भरा कितना जाएगा, भरा जाएगा केवल एक, कितने घंटे में, 1/3 भरना है 4, भरते हैं एक तो कितने घंटे लगाएंगे, 4 घंटे लगाएंगे। अब उसके बाद 12 में से 4 घट गया तो 8 रहता है, इसको बंद कर दिया तो ए भरेगा 3, 8/3 समय ये और 4 घंटे पहले, टोटल कितना हो गया, 20/3 घंटे, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 20/3 घंटे, ठीक है। 20वें सवाल का आंसर करो भाई जल्दी से, 20th क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से, क्या बास, 20th क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे जल्दी से। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड में क्या प्रॉब्लम है देखना एक बार, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, साउंड में कट के आ रही है या बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है तभी तो आप आंसर कर रहे हो, कट के आ रही होगी थोड़ी बहुत, रिप्लाई कर तो दिया जी, रिप्लाई कर तो दिया रेनू जी। देखो ए बी सी मिलकर एक टैंक 12 घंटे में भर सकते हैं, सभी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाए, सी को बंद कर दिया जाए, ए और बी मिलकर बचे हुए टैंक को 10 घंटे में भर देते हैं, सी अकेला 2/3 कितने समय में भरेगा। अब देखो इसको हम ऐसे करेंगे, ए बी सी
कितने घंटे में भर सकते हैं? 12 घंटे में। रेशियो से करेंगे इस सवाल को हम, ठीक है। 4 घंटे खोल दिया, 4 घंटे कर लिया तो 8 घंटे का काम रहता है। 8 घंटे का काम ए और बी ने 10 घंटे में किया, ए और बी ने 10 घंटे में किया 8 घंटे का काम। कितना? 8 घंटे का काम ए और बी ने 10 घंटे में किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये है टाइम का रेशियो। कैंसल भी कर सकते हो, या कैंसल ना करोगे तो भी काम चल जाएगा। अब क्या करो, एफिशिएंसी निकाल लो, पलट दो। ये 10 है तो इधर क्या आएगा? 8 आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, ए और बी की एफिशिएंसी तीनों की 10 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 2। टोटल मिलाकर 12 घंटे लगते हैं और एफिशिएंसी कितनी है? 10। इसका कितना भरना है? 2/3। इसका 2/3 और सी भर कितना रहा है? सी भर रहा है केवल 2। 2 से भाग कर दो, कैंसल करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा 40। किस ऑप्शन में है ये? आपका बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जिनमें आपको एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जिनका एड्रेस कमेंट सेक्शन में डाल देंगे भाई, जींद में जो ब्रांच है ना उसका कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है जी। कर लोगे ऐसे तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। 40 कई सारे बच्चों ने सही आंसर किया, वेरी गुड भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेके आते हैं, सवाल नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं और ये आ गया भाई बड़ा ही खतरनाक वाला सवाल है, बड़ा ही खतरनाक वाला सवाल है। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। बड़ा ही अच्छा सवाल है अगला, बड़ा ही अच्छा सवाल है अगला, वेरी गुड। क्लास को शेयर करो एक बार सारे बच्चे मिलके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। डेली 7 से 8 का सेशन रहता है भाई हमारा, डेली 7 से 8 का सेशन रहता है। एक बार रिपीट कर देता हूं पिछले क्वेश्चन को, क्या दे रखा है? तीनों मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे भर लिया तो 8 घंटे का रहता है। इस 8 घंटे के काम को ए और बी 10 घंटे में करते हैं, 8 घंटे का जो भरने का था उसको ए और बी कितने में कर रहे हैं भाई? 10 घंटे में भर रहे हैं। अब यहां से ये टाइम का रेशियो है, उल्टा कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और 8। इन तीनों की एफिशिएंसी 10 है, इन दोनों की एफिशिएंसी 8 है, तीनों की एफिशिएंसी 10, दोनों की 8 8। अब देखो ए और बी 8 भरते, तीनों 10, तो सी कितना भरेगा? सी तो 2 भरेगा। तीनों ने 10 यूनिट के हिसाब से 12 घंटे में इतना भरा होगा, इसका 2/3 हमें करना है। कितना भाई? 2/3, तो 2/3 से गुणा किया और ये काम सी ने करना है, तो सी की एफिशिएंसी से भाग कर दिया। किससे भाग किया भाई? सी की एफिशिएंसी से, ठीक है, सी की एफिशिएंसी से भाग कर दिया। आंसर आया था हमारा कितना भाई? आंसर आ गया था 40। पढ़ो जल्दी से, अगला सवाल आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़ो, वेरी गुड, जल्दी पढ़ो भाई, शाबाश। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक तो कर दो भाई, लाइक तो कर ही दो और साथ में शेयर भी कर दो। क्या? साथ में शेयर भी कर दो, लाइक और शेयर तो बनता है। आ गया समझ में? वेरी गुड भाई भोलू पंडित जी, आ गया समझ में, बहुत अच्छे। सवाल एकदम शानदार होंगे, सवाल एकदम शानदार होने वाले हैं भाई। देखो एक नल, एक टैंक में 8 नल लगे हैं, भरने वाले नल, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल 12 घंटे में टैंक को भर सकता है, ए है जो 12 घंटे में भर सकते हैं, खाली करने वाला मतलब बी टाइप के जो है वो 36 घंटे में खाली कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि भरने वाले नलों की संख्या पता लगाएं ताकि टैंक 3 घंटे में पूरा भर जाए। कितने घंटे में? 3 घंटे में पूरा भर जाए, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? यहां से आप लेंगे एलसीएम,
एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 36, 12 से भाग करोगे और 36 से भाग करोगे तो एक आएगा। भरने वाला तीन भरता है, खाली करने वाला एक खाली करता है। अब ध्यान से सुनो, इस टाइप के सवाल को आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। वैसे कैसे करेंगे ध्यान से सुनो, अगर भरने वाले एक्स है या भरने वाले एन है, भरने वाले एन है तो कितना भरेंगे, 3n भरेंगे। खाली करने वाले क्या हो जाएंगे, 8 माइनस एन। और ये देखो ये भर रहे हैं, ये इतना भरा जा रहा है, यहां पे वैल्यू देखोगे कितनी थी 36, टोटल कितना है 3 घंटे में भरा जा रहा है, कितने घंटे में 3 घंटे में भरा जा रहा है। ऐसे आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सोल्व कर लो भाई। इससे कैंसिल करोगे तो ये 12 आ जाएगा, ये उधर गया, ये इधर 12 है, ये उधर हो जाएगा 3n माइनस 8 और प्लस में क्या हो गया n, 8 इधर आएगा तो टोटल कितना है 20, बराबर है 4n के, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 5 आएगी। तो भरने वाले कितने हैं भाई, भरने वाले तो 5 हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर यहां से 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या फिर इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो, ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन उठाओ, क्या ऑप्शन उठाओ, भरने वाले 5 हैं, देखो भरने वाले 5 हैं तो टोटल भरेंगे 15, भरने वाले 5 तो खाली करने वाले 3, कितना खाली करेंगे 3, भरा कितना जाएगा 12, टोटल है 36, भरा जा रहा है 12, कितने घंटे लग गए भाई, तीन घंटे लग गए, तीन ही तो दे रखे हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा बच्चे, आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। और ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देखो यहां पे आप ऑप्शन का सहारा लोगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, बिना ऑप्शन के करोगे पिछले की तरह हमें मानना पड़ेगा कि भरने वाले एन थे, क्या भाई भरने वाले एन थे, समझे। अब देखो यहां पे क्या है, ए भरता है 12 घंटे में और बी खाली करते हैं 36 घंटे में, टोटल मिलाकर 8 पाइप हैं, अगर टोटल मिलाकर 8 हैं, भरने वाले अगर एन हैं तो 3 गुणा एन कितना भरेंगे, 3n माइनस में एक खाली करेगा खाली करने वाला, और खाली करने वाला हो जाएंगे 8 माइनस एन, तो ये हो जाएगा टोटल भरने वाला, और टोटल भरा कितना है 36, कितने घंटे लग गए 3 घंटे, कैंसिल करके सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी 5। ऐसे कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, या फिर यहां पे ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, किसका सहारा ले सकते हो, ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, सीधा सीधा कैसे लोगे ऑप्शन का सहारा, ए भरता है 12 घंटे में, बी खाली करता है 36 घंटे में, ए भरेगा 3 यूनिट तो बी खाली करेंगे 1 यूनिट, भरने वाले अगर 5 हैं, 5 गुणा 3 कितना भर रहे हैं 15, भरने वाले 5 है तो खाली करने वाले 3, खाली करने वाले 3 हैं, एक खाली करता है 1 तो 3 खाली करेंगे 3, 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, टोटल है 36, 12 से भाग करो कितने घंटे आ जाएंगे भाई 3 घंटे आ जाएंगे, तो आंसर आपका क्या रहेगा यहां पे, आंसर रहेगा 5, ठीक है, भरने वाले कितने 5, बाकी सारे खाली करने वाले, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने, सवाल नंबर 22 आपके सामने है, जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आएगा आंसर, जल्दी पढ़ेंगे शाबाश और बताएंगे क्या आएगा आंसर, वेरी गुड, ओके है जी, क्लास को शेयर कर दो भाई एक बार सारे, शाबाश, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हाँ गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग जय भारत जी, गुड इवनिंग सोनिया शर्मा, लेट आए हैं, बहुत ही लेट आए हैं। देखो क्लास का समय हमारा क्या होता है, क्लास का समय होता है 7 बजे से 8 बजे तक, कितने बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लेके जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लेके जाएंगे, और अभी अभी आपकी क्लास होगी प्रदीप पहल सर की, हरियाणा जी के प्रदीप पहल सर आपको पढ़ाने वाले हैं, और आपको दो इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, ये देखिए ये शानदार क्लास होने वाली है इस संडे हम क्या करेंगे भाई, इस संडे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के हर एक कंसेप्ट निपटाएंगे बड़े शानदार तरीके से,
बढ़िया तरीके से, एक भी नंबर ना कटे इस तरीके से आपको इस संडे पढ़ाने वाला हूं। किस टॉपिक में? टाइम स्पेस डिस्टेंस। ठीक है, टाइम स्पेस डिस्टेंस में देखो पूरा बेरा पार्ट जाएगा अपने टाइम स्पेस डिस्टेंस का, मतलब एक भी कंसेप्ट, एक भी पॉइंट, एक भी चीज आपकी नहीं छोड़ेंगे हम इस टॉपिक से इस संडे को। कितने बजे? 1 बजे। तो सारे बच्चे अलार्म लगा लेना, नोटिफिकेशन लगा लेना, कितने बजे का? 1 बजे का। ठीक है, और ये बैच का तो आपको बता ही दिया था। ठीक है, चलो राणा जी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस एक जस्ट एक मिनट में ही स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे बच्चे जो भी सेशन देख रहे हैं हरियाणा जीके की क्लास से जुड़ेंगे, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है, और सारे के सारे बच्चे क्लास को शेयर पक्का करके जाएंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं भाई शाम 7 बजे, सारे बच्चे आएंगे, और अभी अभी जुड़ेंगे प्रदीप पैल सर के साथ हरियाणा जीके की क्लास में। प्रदीप पैल सर आ चुके हैं क्लास में, बिल्कुल सारे बच्चे अभी के अभी आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल भाई आ जाओ सारे एक बार, क्योंकि हम आज से हमने कल जैसे बात किया था ना कि हरियाणा जीके के साथ साथ हम एक डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करने वाले हैं, मतलब कंप्लीट जो क्वेश्चंस तो होंगे ही लेकिन जरूर करेंगे हम कंप्लीट, उसकी मैं आज से करने जा रहा हूँ। तो आने वाली क्लास में इवेंट में आ जाइए भाई, 1 मिनट पहले ही ऊपर हो चुकी है, तो आज लेकिन हम मिलते हैं सही 1 मिनट बाद। धन्यवाद।